वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम्स फॉर जॉकर्स। आज हम स्टडी करेंगे 10th क्लास के टॉपिक्स, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, व्हाई कि ऑर्गेनिज्म अपना रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अपनी लाइफ का एग्जिस्टेंस बनाने के लिए, मतलब अस्तित्व बनाने के लिए ही ऑर्गेनिज्म अपना क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी नहीं बन पाएगी, जनरेशन इंटरवल नहीं हो पाएगा, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन नहीं बन पाएगी और ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते ही इसलिए है ताकि उनकी जनरेशन बनी रहे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बन सके, इसलिए क्या करते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। अब हम स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन होता क्या है। It is the process by which living organism produce a new individual. क्या करेंगे living organism, क्या करेंगे एक नया organisms individuals produce करेंगे of their own kind, मतलब अपनी ही तरह, अपनी ही लाइफ खुद के जैसा ही, जैसे कि कोई जो organism होगा वो दूसरी species का नहीं होगा, मतलब क्या होगा अपनी ही species का, अपनी ही तरह organism क्या करेंगे रिप्रोड्यूस करेंगे एंड मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस, और क्या बनाएंगे अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे इस दुनिया में जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। तो अब हम रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन की टाइप्स। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, टू ऑर्गेनिज्म एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, मतलब क्या दो इंडिविजुअल्स, इट इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इन विच टू इंडिविजुअल्स combine to form, combine to forms new offspring, मतलब क्या होगा इसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म होंगे, एक होगा मेल दूसरा होगा फीमेल। मेल से क्या आएगा स्पर्म, फीमेल से क्या आएगा एग। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी दोनों के बीच में, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद क्या बनेगा एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा फीटस। तो ऐसे प्रोसेस होगी, इसमें क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टू ऑर्गेनिज्म होंगे, टू इंडिविजुअल्स होंगे, वन होगा मेल्स एंड अदर फीमेल्स। मेल से क्या आएगा स्पर्म आएगा और फीमेल से क्या होगा एग, दोनों कंबाइन करके फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा जायगोट बनेगा, जायगोट क्या बनाएगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बनेगा उसके बाद फीटस बनेगा। ये है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
उसके बाद क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म या फिर हम इंडिविजुअल बोल सकते हैं इसको, इन विच इंडिविजुअल्स कम्स फ्रॉम ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है इसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, वही क्या करेगा रिप्रोड्यूस करके अदर ऑर्गेनिज्म बना लेगा। एग्जांपल लेते हैं जैसे कि अमीबा। अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करेगा डिवाइड करके एक सेल से दो सेल बना लेगा। जैसे ही अमीबा डिवाइड करेगा इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस भी एक से टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, रिप्लिकेट होंगे। तो ये क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच इंडिविजुअल्स कम्स फ्रॉम ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमारे पास क्वेश्चन है इस टॉपिक से, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, मतलब ये पूछ रहा है क्या ऑर्गेनिज्म अपनी एक एग्जैक्ट कॉपी तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे ही हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, मेल और फीमेल के बारे में पढ़ा था, मेल से क्या आ रहा था स्पर्म आ रहा था, यहां से क्या आ रहा था एग। जैसे ही इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन से जायगोट होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट से फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल बनेगी अलग अलग, सारा का सारा किस पे डिपेंड करेगा, डीएनए पे डिपेंड करेगा। मतलब हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो या कोई भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होगा, रेप्लिकेशन मतलब जो भी इनहेरिटेंस करैक्टर पर आगे जाएंगे किस पे डिपेंड करेगा, सारा का सारा डीएनए पे डिपेंड करेगा। जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी तो उसमें क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, जैसे ही डीएनए रेप्लिकेट करेगा, जब हम बोलते हैं ना कि फोटोकॉपी बनाएगा अपनी, जैसे कि हम फोटोकॉपी निकालते हैं कोई भी काम जाते हैं तो फोटोकॉपी निकलवाते इसमें क्या आ जाता है उसके अंदर एरर आ जाता है, जैसे ही डीएनए रेप्लिकेट करेगा उसके अंदर क्या आ जाएगा एरर आ जाएगा। यही एरर ये क्या लेके आएगा, चेंज लेके आएगा, मतलब जो ऑर्गेनिज्म होंगे एग्जैक्ट कॉपी नहीं होंगे अपने पेरेंट्स की, वो क्या होंगे अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होंगे, मतलब उसके अंदर जैसे ही एरर आ जाए, इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे आगे वेरिएशन बोल देंगे। मतलब जो उनका बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा अपने माता पिता से डिफरेंट होगा थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ पे आते हैं मेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम 23 पेयर्स होते हैं, फीमेल के अंदर क्या होता है 23 पेयर्स होते हैं, तो इनका क्या होता है 50% योगदान होता है ना, तो जो बच्चा होगा मेल की तरह दिखाई देगा और ना ही फीमेल की तरह दिखाई देगा, उनके अंदर क्या आ जाता है 50% यहाँ से आ जाता है और 50% क्रोमोसोम यहाँ से आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है जो बेबी बनेगा बच्चा बनेगा उसके अंदर क्या आ जाता है चेंज आ जाता है, और उसी चेंज को हम क्या बोलेंगे वेरिएशन बोलेंगे। तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करेगा, ऐसा ही सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने किसका एग्जाम्पल लिया था, अमीबा का एग्जाम्पल लिया था, जैसे जैसे अमीबा डिवाइड करेगा इसके अंदर क्या होगा दो न्यूक्लियस बना लेगा डिवाइड करके,
और मैंने बता दो सारा का सारा डिपेंड किस पे करता है, डीएनए पे करता है। डीएनए किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और प्रोटीन से क्या बनता है, बॉडी बनती है। अभी तो बोलते हैं सारा सारा डिपेंड किस पे करता है, डीएनए पे करता है। डीएनए क्या करेगा, ट्रैक्टर को पास करेगा, और क्या होगा जब ये रेप्लिकेट करेगा डीएनए इसके अंदर एरर आ जाएगा। जैसे कि यहां पे रेप्लिकेट किया है डीएनए ने, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जैसे ही रेप्लिकेट करेगा उसके अंदर क्या आ जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा, तो उस चेंज को हम क्या बोलेंगे, एरर बोलते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म कभी भी अपनी एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। आगे हम एसेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे कि एसेक्सुअल टाइप्स रिप्रोडक्शन, जैसे कि बडिंग हो गया, फिजन हो गया, फ्रैगमेंटेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, ये सभी एग्जांपल किसके हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे बडिंग, फिजन, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, ये सभी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।